इस वीडियो में देखेंगे एट क्लास का मैथ चैप्टर 7 का एमसीक्यू। 6 चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट है। ना देखा हूँ तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या खुद से भी जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले एक्सरसाइज वाइज वीडियो ख़त्म हो चुका है पूरा मैथ, ना देखा हो तो उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। अभी फिलहाल एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 में होने वाला है, जिसमें टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता है, ओमआर शीट में होगा यानी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सारा सब्जेक्ट का कंप्लीट करा दिए हैं। ये मैथ चल रहा है अभी, 7वां चैप्टर आज चलेगा, ठीक है। हिंदी नहीं हुआ है तो हिंदी का भी वीडियो आज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, गुणनखंड चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट करा दिए हैं, ना देखो हो अगर देखना चाहते हो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4a माइनस 6 डिवाइड का साइन है उसके बाद 2, इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। गुणनखंड मतलब होता है गुना का खंड, है ना। गुना का खंड में यहाँ पे करते चलेंगे, आंसर आते जाएगा, देखिए ध्यान से। इसको भाग देना है, भाग मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 2 से भाग देना है। क्या करना होगा देखिए, इसके लिए गुना का खंड, गुणनखंड बोले, गुणनखंड कर दीजिए, इसका तोड़ दीजिए, गुना में इसको लिखिए। तो कितना गुना में लिख सकते हैं, तो देखिए कॉमन निकाल देना है। सबसे आसान तरीका क्या है, दो गो रहे तो कॉमन निकाल दीजिए, अगर कॉमन निकल रहा है तो यहाँ कॉमन निकल रहा है, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में सेम है। तो कहिएगा इसमें दोनों में तो सेम नहीं दिख रहा है, तो फिर कॉमन निकलेगा कैसे। तो देखिए अगर डायरेक्ट नहीं दिखेगा ना तो थोड़ा सा अंदर घुस के देखिएगा, तो कैसे यहाँ अंदर घुसे, तो इसमें अंदर घुसने का तरीका है कि अगर 4 के अंदर घुसेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4 होता है, और 6 के अंदर घुसेंगे तो 2 गुना 3 मिलेगा, 2 3 6 होता है, ठीक है। तो देखिए अब दिख रहा है दोनों में, थोड़ा सा अंदर घुस गए तो यहाँ दिख रहा है 2 2 है, यहाँ 1 2 और 1 3 है, 2 और 3, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, तो 2 कॉमन निकाल देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो बच गया उसको, तो यहाँ से 1 2 चल गया, तो 2 2 था तो 1 निकल गया, तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 1 नहीं निकला है तो 1 रहिए जाएगा, यहाँ 6 था उसको 2 गुना 3 किए, 2 को तो बाहर निकाल दिए तो बच गया 3, तो माइनस में है इसलिए -3, और नीचे है 2 तो नीचे 2 रहेगा ही। अब देखिए गुना में हो गया मतलब ये कट जाएगा, तो 2a-3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। काटने के लिए गुणनखंड कर लेना है पहले, यानी गुना में कर लेना है तब काटना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि इतने घटा में घटा वाला को नहीं काट सकते, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने गुना गुना मांग गया 2 गुना ये इतना, तो 2 गुना मांग गया इसीलिए ये कट सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 2 है ये, है ना, दूसरा ऑप्शन में ये है तो दूसरा हो जाएगा। फिर से वैसी सेम है, 3a-9 डिवाइड करना है इसको 3 से, देखिए 3a-9 डिवाइड बाय 3, कॉमन फिर से निकालिए, देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ 9 है, तो 9 के अंदर घुसेंगे तो 3 गुना 3 3 3 9, यानी 3 और यहाँ 3, दोनों जगह 3 है, 3 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से 3 निकला तो बच गया a, यहाँ से 3 निकला तो बच गया 3, और बीच में साइन है माइनस का तो माइनस, बटा नीचे है 3, 3 3 फिर से कट गया तो बच गया a-3 आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, 9x-27xy का गुणनखंड बोला, इसमें सिर्फ करना है गुणनखंड, यानी गुना का खंड, गुना का टुकड़ा में इसको लिख देना है। गुणनखंड मतलब भाई कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकालना होगा, कॉमन निकालिए, देखिए 9 यहाँ दिख रहा है और यहाँ 27, तो 9 और 27 में क्या कॉमन है, तो 9 और 27 में कॉमन ये है कि 9 3 27 होता है, 9 3 27, तो यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, डायरेक्ट 9 निकाल देंगे तो 9 तो निकल गया, यहाँ से 9। अब एक्स वाई में देखिए, एक्स यहाँ भी यहाँ भी, जो दोनों जगह है वो बाहर, तो ये दोनों में तो बाहर, तो यहाँ क्या बच गया, 9 और एक्स दोनों तो निकल गया, तो यहाँ इस जगह में क्या बच गया, इसके जगह कुछ होने तो 1, कुछ नहीं तो 1 लिख देना है। फिर है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ से 9 निकला तो 3 तो बचेगा, 3 27 था उसमें 9 चल गया, 3 बचेगा, एक्स चल गया, एक्स तो चल गया तो बच जाएगा वाई, ठीक। तो यही इसका गुणनखंड हो गया, गुना का खंड, ठीक। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। इसका गुणनखंड करना है 4th नंबर में,
देखिए दो गो अगर रहेगा दो पद तो गुणनखंड करने के लिए कॉमन बस निकाल दीजिए हो जाएगा, लेकिन इसमें तीन पद है द्विघात बहुपद है, ये घात दो है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर वाला का गुणनखंड करने का एक तरीका बताए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, इस तरह के जब भी रहे स्क्वायर में रहे मतलब इस टाइप का पूरा क्वेश्चन रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में रहे तो उसका एक अलग तरीका है ना, तो यही फॉर्म में देखिए पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10p और ये नंबर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स यहाँ, तो यहाँ पी स्क्वायर तो यहाँ पी, तो इसी के जैसा सेम टू सेम है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसका कॉमन इसका जो गुणनखंड है वह निकालने के लिए क्या करते हैं पहला और लास्ट को गुना कर देना है, पहला और लास्ट को गुना कर देना है रफ में लिखना है गुना करके 25 और पी स्क्वायर गुना करेंगे तो 25 पी स्क्वायर, उसके बाद ये जो आएगा इसी को गुणनखंड कर देना है यानी 25 किसका किसका पहाड़ा माता है उसको लिख देना है, तो एक आता है 5 5 25 और किस में आएगा एगो आएगा 25 1 25 और पी स्क्वायर है तो पी तो दोनों में होगा पी पी, ठीक इतना सा करके देखना है यहाँ क्या यहाँ जो है ये बीच में क्या है तो 10 है 10 पी, तो बीच में जितना रहेगा उतना ले आना है ये दोनों में से इससे या इससे दोनों में से किसी से जोड़ के या घटा के उसको लाना है, ठीक है जोड़ने से या घटाने से वो आना चाहिए, तो 25 में एक जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 25 में एक घटाएंगे 24 हो जाएगा, इससे नहीं आया इससे काम नहीं चलेगा, 5 में 5 जोड़ने से आ जाएगा 10, ठीक है तो काम हो जाएगा, लेकिन -10 लाना है, क्या लाना है -10, तो अगर माइनस लगा देंगे तब तो 5 में 5 घट के 0 हो जाएगा, तो 10 तो नहीं आया, तो क्या करना होगा -10 लाने के लिए दोनों में माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 5 5 हो जाएगा 10 भी, तो इतना सा काम यहाँ पे कर लेना है यानी बीच में जितना रहे उतना आ जाना चाहिए किसी से भी, यहाँ का गुणनखंड इसका लिख लेना है कोई भी गुणनखंड से ये वाला आ जाना चाहिए, जिससे आएगा उसी का काम है बाकी का काम नहीं है, तो 5 5 से आए 5 का ये दोनों का काम है इसका नहीं है, ठीक है तो क्या काम है तो देखिए पहला में जैसा रहेगा उतार देना है कोई दिक्कत नहीं है, बीच में जिसको जोड़ घटा का आया उसको लिख देना है भाई 5 -5 -5 से आया -5 भी -5 भी बीच में यहाँ से उठा के लिख देना है इसको, उसके बाद लास्ट वाला भी जैसा है सेम टू सेम +25 है तो +25, उसके बाद फिर से वही काम कॉमन निकालते चलना है दो दो का, ये दोनों का कॉमन निकालिए, देखिए यहाँ पी है यहाँ भी पी है बाकी तो कोई कॉमन नहीं है खाली पी दिख रहा है दोनों में, तो पी निकल गया बाहर तो यहाँ बच जाएगा दो गो पी है तो एक गो पी बच जाएगा, कहा कि पी स्क्वायर लिखा हुआ स्क्वायर माने दो गो है तो एक निकला तो एक बच गया, यहाँ से पी निकला तो खाली 5 बच गया, फिर यहाँ से कॉमन निकालिए या क्या करना है यहाँ से कॉमन निकालने से इसी को रख देना है सेम आएगा यहाँ पी -5 सेम आना चाहिए, यही वाला यहाँ रख देना है बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ना है इसे मिलाने के लिए, क्या मिलाना है तो ये सेम आना चाहिए, देखिए -5p है यहाँ p है तो -5 से यहाँ गुना कर दीजिए -5 और p -5 पे हो गया, फिर -5 +5 5 25 25 ऊपर वाला आ जाना चाहिए गुना करके, ठीक है इसको भी गुना कर पी और पी गुना करने से पी स्क्वायर पी और 5 गुना करने से 5p ऊपर वाला आ गया, ठीक अब देखिए p -5 p -5 यहाँ और यहाँ ये दो दो टर्म है एक टर्म ये दोनों में p -5 दिख रहा है तो फिर से निकाल देंगे p -5 को कॉमन, तो यहाँ से p -5 निकला तो बच जाएगा p ब्रैकेट में, यहाँ से भी p -5 बाहर तो बच जाएगा -5, देखिए p -5 p -5 दो बार आ गया तो p -5 p -5 दो बार आ गया, इसका मतलब इसको स्क्वायर में लिख देंगे p -5 का स्क्वायर आंसर, ठीक है तो स्क्वायर में भी आंसर हो सकता है या ये भी हो सकता है जो उनमें से दो जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगा देना है। 5वां नंबर क्वेश्चन में है 3x-36 3x-36 इसका गुणनखंड करने वाला है, तो ये तो दो गो है तो डायरेक्ट क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे, यहाँ 3 है यहाँ 36 है तो 36 में 3 आएगा 12 3 36 बारह आता है 3 12 3 36 होता है तो यहाँ भी 3 वहाँ भी 3 तो 3 निकला तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x यहाँ से 3 निकला तो 12 और बीच में माइनस है तो ये रहा इसका गुणनखंड। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x+9 इसका गुणनखंड करना है तो फिर से देखिए 3 निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x यहाँ 9 है तो 3 3 9 3 बच जाएगा हो गया आंसर ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे 7 नंबर में है x²-9 अब इसमें कॉमन तो निकलना वाला है नहीं यहाँ नहीं निकलेगा कॉमन एक्स है यहाँ है तो एक्स ही नहीं यहाँ कोई नंबर ही नहीं है
तो कैसे कॉमन निकलेगा, कोई भी सेम यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है। कॉमन अगर नहीं दिखे तो कोई दूसरा तरीका स्क्वायर में है, तो एक तरीका होता है और एक में स्क्वायर, अगर दोनों में स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो गुणनखंड हो गया ना इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बीच में गुना गुणनखंड हो गया, तो ऐसा बना देना है। तो एगो में स्क्वायर है तो एगो में नहीं है तो लगा दीजिए ना, नौ किसका स्क्वायर करने से आएगा, तीन का स्क्वायर करने से, तो नौ की जगह लिख देंगे तीन का स्क्वायर, तीन तीन नौ होता है, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला यह होता है, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, ए की जगह में x है तो x लगाएंगे, b की जगह तीन है तो प्लस b होता है तो प्लस तीन, फिर एक a है तो एक जगह x है, b में तीन माइनस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, हो गया आंसर। एट नंबर क्वेश्चन फिर से वैसे ही वाला लग रहा है, माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस पच्चीस ए बी, चलिए ये कॉमन निकलेगा तो निकालते हैं, पाँच पच्चे पच्चीस होता है तो पाँच यहाँ भी यहाँ पच्चीस, तो पाँच तो निकल जाएगा है, पाँच पच्चे पच्चीस होता है यानी यहाँ भी पाँच है तो पाँच निकला। अच्छा और कुछ निकलेगा, ए भी तो दोनों में दिख रहा है, ए यहाँ भी है तो निकल गया पाँच और ए दोनों पाँच, तो यहाँ से माइनस तो नहीं निकला तो माइनस रह जाएगा, अब पाँच ए निकला लेकिन ए में स्क्वायर है मतलब दो गो ए था तो एगो ए बच जाएगा यहाँ, फिर प्लस का साइन है, पाँच बच्चे पच्चीस होता है तो पाँच बचेगा, ए तो निकल गया है तो बी बचेगा, तो ये आंसर देखते हैं है कि नहीं, नहीं है ऑप्शन में, ठीक है नहीं है ऑप्शन में, तो क्या किया माइनस को बाहर कर दिया है, माइनस को बाहर कर देंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है तो ये आंसर है, इसको लगा देना है ठीक। आठ क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा है ना, ताकि आपको इसका गुणनखंड निकालना है। देखिए फिर से कॉमन निकल रहा है तो पहले कॉमन निकालिए, दो चौके आठ होता है तो दो दोनों में है तो दो निकला, ए भी तो दोनों में दिख रहा है, दो ए निकल गया, टू ए निकल गया, तो टू यहाँ एट है तो टू फोर या एट, फोर अंदर रह जाएगा, ए का क्यूब मतलब ए तीन गो है, तीन गो में से ए वो बाहर निकला है तो ए का स्क्वायर रह जाएगा माने दो गो ए रह जाएगा, माइनस का साइन है दो और ए दोनों का दोनों निकल गया है तो खाली एक बचेगा। अब ये भी फिर गुणनखंड हो सकता है, जितना गुणनखंड जितना टुकड़ा हो सकता है उतना तोड़ते जाना है ना, तो ये आंसर में नहीं है, इसको और एक टुकड़ा कर सकते हैं कैसे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, कैसे लगेगा तो ए में स्क्वायर है लेकिन चार में नहीं है, तो चार किसका स्क्वायर होता है दो का, तो टू ए का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं टू ए का स्क्वायर, अरे वन है तो वन की जगह तो वन का स्क्वायर करके क्यूब करें, वन ही होता है तो वन का स्क्वायर वन, तो वन का स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये बन गया ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें बस रख देना है ठीक है। तो देखिए टू ए उसके बाद फिर ए प्लस बी, ए में है टू ए तो टू ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी होता है तो ए में है टू ए, एक जगह टू ए है और बी की जगह वन वन, तो ये रहा आंसर। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स का पावर फोर माइनस सोलह, इसका गुणनखंड करना है, तो चलिए पहले हम तो जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ ए का पावर फोर कर दिया है, कॉमन तो कोई निकलेगा नहीं, तो स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला में बदलेंगे। देखिए कैसे, एक्स में स्क्वायर है फोर है पावर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या समझेंगे, ये पूरा पूरा एक्स स्क्वायर को ए समझेंगे, तो ये ए का स्क्वायर हो गया, फिर ये चार चौके सोलह, चार का स्क्वायर सोलह होता है कि नहीं, तो चार का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना है, तो ए में है एक्स स्क्वायर प्लस ए, ए में है बी, बी में है चार, फिर गुना ए माइनस बी हो गया। उसके बाद देखिए फिर से कॉमन निकलेगा, कॉमन बोलते हैं फिर से फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी होगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं होता है इसलिए इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये वाला देखिए ए स्क्वायर और चार को लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया फॉर्मूला जैसा, तो फिर से इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये तो रह जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना है, तो ए में एक्स है प्लस बी में टू, फिर ए में एक्स माइनस बी में टू, कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में ठीक। आगे बढ़ते हैं,
चलिए इसका गुणनखंड करना है फिर से, तो कॉमन इसमें दिख रहा है 9y, 9y दोनों जगह, तो 9y बाहर निकला तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ से 9y निकल गया तो कुछ हो नहीं तो एक आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर में 15x स्क्वायर वाई का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना बबुआ? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं को के गुणा में तोड़ देना है। तो 15 का गुणनखंड कहा हो जाएगा 15 का 5 तिया 15, अभाज्य संख्या होना चाहिए, 5 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो 15 टूट गया 5 गुना 3, और x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुना x हो जाएगा, y को तोड़ेंगे तो एक y तो y रहेगा, ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड बोला खाली, गुणनखंड। तो ये एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला दिया हुआ है तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर में है, स्क्वायर मतलब क्या होता है? दो बार, तो ए माइनस बी दो बार लिख दीजिए, हो गया, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तो गुणनखंड करना है। ये तो प्लस वाला फार्मूला हो गया, माइनस वाला फार्मूला माइनस लगता है और प्लस वाला में प्लस लगता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये पता होगा। तो ये दिया हुआ है तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी को स्क्वायर है, इसीलिए गुना में दो बार लिख देंगे, ए प्लस बी हो गया आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गुना करने बोल रहा है, माइनस 3m को इससे गुना करिए, तो गुना बोला तो देखिए माइनस 3m गुना मतलब ब्रैकेट भी लगा देंगे, इसका मतलब गुने होता है, इससे गुना करना है बस। अब देखिए गुना दो वो से करना है, इससे भी इससे भी, तो क्या करेंगे? पहले इससे गुना फिर इससे गुना, गुना करने आता होगा, तीन तीन नंबर नंबर गुना करते हैं, यहाँ कुछ हो नहीं, यहाँ कुछ हो नहीं तो एक है, तो तीन और एक आ तीन, एक आ तीन, माइनस माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद तीन और का तीन और एम एक गो, यहाँ एम दो गो, दो गो एम यहाँ और यहाँ पावर है तो एक है, कुछ हो नहीं तो एक, तो पावर जुट जाता है, एक एक रहे सेम सेम, एम एम सेम सेम है, एक एक है, तो पावर जुट जाएगा दो और एक तीन, ठीक। उसके बाद फिर माइनस प्लस, माइनस तीन और दो है तो तीन दोनों छः हो गया, एम एन ये तो अलग अलग है तो एम एन खाली सट जाएगा, एक जगह लिखा जाएगा, शुरू में प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, हटा दीजिए, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन, माइनस 32x का पावर 4 भागा 8x स्क्वायर, ये भागा देखिए, माइनस 32x का पावर 4 भागा 8x स्क्वायर, भाग देना है। देखिए ये वाला तो 8 चौके 32 काटने आता होगा तो काट दिए 4, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला समस्या बुझा रहा होगा तो क्या करेंगे, एक्स का पावर 4 है मतलब क्या है, एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स, चार गो है, और एक्स पावर 2 नीचे है मतलब एक्स गुना एक्स, तो एगो एक्स एगो एक्स एगो एक्स एगो एक्स कट गया तो बच गया माइनस 4 और एक दो दो एक्स यानी एक्स पावर 2। 17 नंबर क्वेश्चन में आ गए फिर से, 28x स्क्वायर वाई भाग देना है 7xy से, तो चलिए डायरेक्ट भाग देते हैं, कट रहा है, काटेंगे 7 चौके 28, 4 बच गया, ए वाई वाई भी एक अक्ट है कट गया, x देखिए यहाँ दो गो है यहाँ एक गो है तो दो गो एक गो तो कट जाएगा, एक गो x रह जाएगा तो 4x आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन भी भाग देना है लेकिन यहाँ बन जाएगा, चलिए देखते हैं कौन, 18 14x माइनस 21y को भाग देना है 2x माइनस 3y से, चलिए पहले कॉमन निकलेगा तो निकाल लीजिए उसके बाद भाग देंगे आराम से हो जाएगा। देखिए 14 और 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 7 दोनों में तो 7 कॉमन निकल गया तो 7 दूनी 14 2x बच जाएगा, यहाँ 7 तिया 21 3y बन जाएगा, और नीचे भी है 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y से कट गया तो बच गया 7 आंसर, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसमें बोला इनमें से कौन सही है, मतलब ब्रैकेट में है, कुछ करने नहीं बोला है मतलब, लेकिन ब्रैकेट में दोनों है, ये ब्रैकेट में बीच में कुछ साइन है तो ऐसा जो रहता है उसको मतलब गुना होता है, तो गुना करेंगे ये एक्स को इससे गुना करेंगे तब फिर इससे गुना करेंगे, ठीक है। दो दो को है दोनों तरफ,
हाँ दो गए दोनों तरफ, यहाँ भी दो गए यहाँ भी दो, तो पहला एक्स को लेंगे और दोनों के साथ गुना करेंगे, तब फिर टू को लेंगे और फिर दोनों से गुना करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले एक्स को उठाएंगे, ले जाएंगे एक्स के पास गुना करने, तो एक्स और एक्स गुना होने से हो जाता है एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को उठा कर ले जाएंगे तीन के पास, कहेंगे गुना हो तो तीन और एक्स, तीन एक्स हो जाएगा, एक्स का काम खत्म। दो को उठा कर ले जाएंगे पहले एक्स के पास, तो दो और एक्स हो जाएगा टू एक्स, प्लस हैं दोनों तो प्लस 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 हो जाएगा। फिर ये दो को उठा के तीन के पास, तो दो तीन छः, यहाँ साइन देखेंगे प्लस, ये भी प्लस तो प्लस। फिर बोले लाइक टर्म रहेगा तो जोड़ना है घटाना है, नहीं तो आंसर लाइक है तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है तो ये उतर जाएगा, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो लाइक लाइक दोनों है एक के, तो क्या होगा दोनों जुट जाएगा जोड़ में, इसीलिए प्लस प्लस प्लस, तीन और दो पाँच, एक्स प्लस छः आंसर। बीस नंबर में आगे, बीस नंबर देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, कौन विकल्प सही नहीं है बोला है अवर, लेकिन है एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस फाइव कौन सही नहीं है, सही नहीं है वो बताना है तो ऑप्शन में आना पड़ेगा तब तो ना पता चलेगा सही है कि नहीं। माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस फाइव गुना एक्स माइनस फाइव दो बार है, तो दो बार है मैंने स्क्वायर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन में है एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर, ये तो एकदम ऊट पटांग हो गया, यहाँ माइनस था प्लस कैसे हो जाएगा, तो ये गलत है यार, गलतवे को कहा है छांटिए, तो ये इसको छांट देना है, ये हो गया सही आंसर इसका। इक्कीस नंबर हमारे गए, ए बी प्लस, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, ये हमको बताना है। चलिए बड़ा डेंजर क्वेश्चन आ गया, ध्यान से करिएगा नहीं तो गड़बड़ाइएगा। देखिए यहाँ पे ए समझना है इसको, ए पूरा ये ए हो गया और ये वाला बी, ए प्लस बीच में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही लिखाएंगे ए स्क्वायर होता है तो ए में दो का ध्यान दीजिएगा ए बी है ना, तो ए में ए बी है तो ए बी का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला मतलब, तो ए में है ए बी तो टू ए बी, तो ए लिखा है खाली है ना, फिर बी बी में है बी सी, टू ए बी बी स्क्वायर फिर होता लास्ट में, तो बी की जगह बी सी है तो यहाँ लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, फिर ये तो अलग है तो इसको उतार देंगे। अब फिर गुना उना करके देखेंगे क्या होता है, स्क्वायर में है तो ये तो दोनों के साथ स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में होगा, और यहाँ जोड़ गुना है देखिए गुना ब्रैकेट में गुना, तो टू ए ए तो एक हो तो एक हो गया, बी बी दो गो बी बी है, बी बी दो गो नहीं है बी दो गो है ना, तो बी बी का हो जाता है दो गो बी मिलेगा तो बी बी हो जाएगा माने बी का स्क्वायर, और ये सी हो जाएगा प्लस दोनों में स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, देखिए टू ए बी स्क्वायर सी प्लस में एगो माइनस में, तो ये तो खचाक कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा आंसर। कोई दिक्कत बी बी में नहीं है, बी बी में सबको दिक्कत है, हटाते हैं। 21 नंबर सार्वगुणनखंड लिखना है इसका, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड किसको कहते हैं बाबू, जो सबका गुणनखंड सब में आएगा, तीन को है एक दो तीन को टर्म है, अगर तीनों में कॉमन आएगा तो उसी को सार्वगुणनखंड कहते हैं, ठीक है जो तीनों में कॉमन रहेगा, तो सार्वगुणनखंड देखिए तो यहाँ पहले गुणनखंड कर लीजिए, दो गुना एक्स होगा इसका और ये प्लस ये तीन और एक्स स्क्वायर, तीन गुना एक्स एक्स हो जाएगा, तीन गुना एक्स ये चार स्क्वायर है, तो चार में दो गुना दो चार हो गया और एक्स स्क्वायर मैंने एक्स गुना एक, देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में एक्स 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 तीनों में वही भर कॉमन है, दो देखेंगे तो यहाँ नहीं है खाली एक्स तीनों में, तो जो तीनों में रहता वही सार्वगुणनखंड माने जितना है सभी में रहे, तीन गो है तो तीनों में चार गो है, तो चारों में जो है जो वही सार्वगुणनखंड, तो एक्स खाली चार तीनों में है तो एक्स हो गया इसका सार्वगुणनखंड।
ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी का सार्वगुणनखंड, इसमें भी सार्वगुणनखंड बोला है। तो देखिए ऐसे ही देख सकते हैं, ए तीनों में ए है तो ए हो गया सार्वगुणनखंड। देखिए यहाँ ए सी भी है, यहाँ भी ए सी है, लेकिन यहाँ सी नहीं है, तो यहाँ भी अगर सी रहता तो ए सी सार्वगुणनखंड होता, लेकिन यहाँ खाली ए है, यानी ए सब में दिख रहा है, तो ए सार्वगुणनखंड। 24 नंबर क्वेश्चन, 8x² y और -32xy², इसमें बोला सार्वगुणनखंड कौन, तो चलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसको गुणनखंड कर लीजिए। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, x × x और एगो वाई। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका इसका यहाँ कर दे रहे, इसका इसका 32 का, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 हैं, फिर एक्स, फिर वाई स्क्वायर यानी y × y 2। अब कॉमन देखिए दोनों में क्या क्या है, 2 यहाँ 3 गो है, यहाँ भी 3 गो 2 को निकाल दीजिए कॉमन, 2 × 2 × 2, 3 गो 2 तो कॉमन निकला, और कोई कॉमन, एक्स यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो है, तो 1 गो x कॉमन होगा दोनों में, एक्स देखो एक्स कॉमन, यहाँ वाई 1 गो है, यहाँ भी वाई 1 गो है, 2 गो है, लेकिन दोनों में जो है उसको देखना है, तो 1 गो यहाँ 1 गो यहाँ, तो ये वाला वाई हो गया, बाकी दोनों में नहीं है, 2 × 2 = 4 × 8 हो गया और xy, तो 8xy हो गया दोनों का सार्वगुणनखंड। और एक क्वेश्चन यही दिख लेते हैं, भाग देना है 25 नंबर, 91y³ भागा 13y, भाग दीजिए 13 × 7 = 93, हैं y³ माने y³ है, नीचे 1 है तो 1 कट जाएगा, तो y³ बन जाएगा 2 गो है ना, तो 7y² कुछ दिक्कत नहीं, 26 भी बन जाएगा यहीं पे, 26 नंबर में भी भाग देना है 144x⁴ / माइनस में 12x² लिखेंगे, भाग में है इसलिए बट्टा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 12 × 12 = 144, तो -12 आ गया, माइनस है इसलिए -12, एक्स यहाँ 4 गो, यहाँ 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, 2 गो बन जाएगा, तो x² 2। चलिए 26 हो गया, और 4 गो क्वेश्चन है, इसको हटा लेते हैं, चलिए इसको भाग देना है, भाग देना है 2 गो है, तो कॉमन पहले निकालेंगे, 15 और 25, 5 का पहाड़ आता है दोनों, तो 5 × 3 = 15 और जेड है साथ में, -5 × 5 = 25, 5 ये 5, 5 5 कट गया तो बन जाएगा 3z − 5। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गुना करना है, 5xy को बोला है गुना करने 2x − 2y + 1, इससे गुना करना है, तो डायरेक्ट ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा, इसका मतलब गुना, और गुना और करते चलिए एक करके, पहले यहाँ जाएंगे तो 5 और 2 गुना होगा, 5 × 2 = 10, एक्स और एक्स 2 गो हो गया, तो √2 हो जाएगा, वाई यहाँ तो है ये नहीं, तो वाई अकेले रह जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे इसको लेकर के, यहाँ आ जाएंगे यहाँ, तो माइनस में तो माइनस होगा, 2 × 5 = यहाँ भी 10 हो गया, एक्स यहाँ तो नहीं है, तो एक्स 1 गो, वाई वाई 2 गो दिख रहा है, तो y² फिर इसको आगे लेके यहाँ 1 में चल जाएंगे, तो 1 में तो किसी से गुना करके उतने रहता है, तो 5xy ही रहेगा। 29 नंबर देखते हैं, फिर से गुना करना है, -x² को गुना करना है x² + 2x − 1, तो चलिए फिर से गुना करते हैं एक करके, -± x 2 गो यहाँ √2, यहाँ √2, तो 2 और 2 = हो गया 4, यह वाला फिर लेके यहाँ आएंगे, −± 2 x 1 गो, यहाँ 2 गो, तो x³ −± + 1 से गुना करेंगे तो x². लास्ट अंतिम क्वेश्चन, इसको गुना करना है m + n से, तो m² और 1 गो m, तो 1 गो m और जुट गया, तो 3 गो m यानी m³ प्लस m² n अलग है तो उतर जाएगा। तो ये रहा 7वां चैप्टर का पूरा क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।